इलेक्ट्रिशियन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आज हम साइज ऑफ कंटीन्यूअस अर्थ वायर के बारे में डिस्कशन करेंगे। सो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द टेक्निकल ट्यूटोरियल आशुतोष आर्किटेक्चर विथ योर होस्ट एस वी जेड ए नाथ, अ स्टेप अहेड फ्रॉम इमेजिनेशन। अगर आप इस चैनल को पहले बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन में ऑल ऑप्शंस को क्लिक कर दीजिए, साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए अब हम इलेक्ट्रिशियन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। द साइज ऑफ कंटीन्यूअस अर्थ वायर यूज्ड विथ केबल्स इन डोमेस्टिक इंस्टॉलेशंस शुड नॉट बी लेस देन डैश, यानी कि डोमेस्टिक इंस्टॉलेशंस में केबल के साथ जो कंटीन्यूअस अर्थ वायर को यूज किया जाता है उसका साइज क्या होना चाहिए। और ये रहा मल्टीपल ऑप्शंस। ऑप्शन ए 14 SWG, ऑप्शन बी हाफ ऑफ द इंस्टॉलेशन कंडक्टर साइज, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, एंड ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम इलेक्ट्रिकल स्टेटमेंट के बारे में जान लेते हैं। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, द साइज ऑफ कंटीन्यूअस अर्थ वायर यूज्ड विथ केबल्स इन डोमेस्टिक इंस्टॉलेशन शुड नॉट बी लेस देन 14 SWG और हाफ ऑफ द इंस्टॉलेशन कंडक्टर साइज, यानी कि डोमेस्टिक इंस्टॉलेशन में केबल के साथ जो अर्थ वायर का इस्तेमाल किया जाता है उसका साइज 14 स्टैंडर्ड वायर गॉज या फिर जिस साइज केबल के माध्यम से डोमेस्टिक वायरिंग करेंगे उसका हाफ साइज से कम नहीं होना चाहिए। तो इलेक्ट्रिशियन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी। ओके फ्रेंड्स, टाइम्स टू वाइंड अप इलेक्ट्रिशियन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फॉर ITI इलेक्ट्रिशियन। फॉर मोर वीडियोज यू कैन क्लिक ऑन आईकार्ड्स एंड चेक द लिंक इन डिस्क्रिप्शन। टिल देन सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर आशुतोष आर्किटेक्चर ऑफिशियल। थैंक यू।